नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जिसका पूरा फायदा विपक्ष उठा रहा है। वहीं इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर तंज भी कस रही है। आपको बता दें कि दावा यहां तक किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी बीजेपी की लड़ाई नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रही है। मुश्किल ये है कि आगे खतरे का निशान भी है, और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जो भी समझा बुझा कर दिल्ली से लखनऊ भेजा हो, लेकिन लगता नहीं है कि आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोई कोशिश हुई हो, या फिर पानी डालने का कोई भी असर हो रहा हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की तकरार तेज ही होती जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां भी गुटबाजी हावी नजर आ रही है। और ये गुटबाजी सिर्फ पार्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असर तो सहयोगी दलों पर भी हो रहा है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। इसी को लेकर विपक्ष ने तंज कसने में देर नहीं लगाई, और समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। सपा नेता ने एक्स पर लिखा, श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। बता दें कि सपा नेता आईपी सिंह ने इससे पहले दावा किया था कि दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ मालदार विभाग चाहिए, इसलिए बीजेपी में आपसी मारामारी मची हुई है। उन्होंने कहा कि राजभर को अमित शाह से पैरवी करके पंचायती राज मिल गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा पीडब्ल्यूडी चाहिए, इसे सीएम नहीं दे रहे हैं। जाहिर है केशव मौर्य ने पिछले दिनों दिल्ली जाकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरीके के अटकलों को भी हवा मिल रही है। तो वही दूसरी तरफ यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझाने के लिए कोशिशें तो आरएसएस की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अभी तो यही लगता है कि ये झगड़ा उपचुनाव में भारी पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये नई और बड़ी चुनौती होगी। अब होता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।